हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्टम्बल गाइस वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको स्टम्बल गाइस में वॉलीबॉल की सारी ट्रिक्स बताने वाला हूं। तो फर्स्ट मैप है हमारा एबडक्शन एवेन्यू। हमारे वॉलीबॉल इमोट के दो मेन यूज हैं जंप और स्पीड, और इस मैप में हमें ऑलरेडी जंप और स्पीड मिल रही है, तो इसलिए इस मैप में वॉलीबॉल इमोट का उतना यूज है नहीं। लेकिन जहां जहां पे आपको डिस्टेंस बचाना होगा वहां पे आप इस इमोट का यूज कर सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा ये यूज आएगा इस जगह पे जहां पे आपको जल्दी से पहुंचना रहता है और हम लोग बहुत ही जल्दी इस ऑब्स्टिकल को पार कर सकते हैं। नेक्स्ट मैप है हमारा बॉड बैश। अब हमारे वॉलीबॉल इमोट की एक और बहुत अच्छी एबिलिटी है जो कि है उसका वेट। तो आप जब कीड़ों से टकराओगे तो आप उतना दूर नहीं गिरोगे जितना आप नॉर्मली गिरते हो, जो कि आपको दिख ही रहा होगा। लेकिन अगर मैं वॉलीबॉल बन के हिट खाता हूँ तो मुझे उतना इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर आप पेंट से टकराओगे तो आप बाहर हो जाओगे, इसलिए वॉलीबॉल बन के पेंट से मत टकराना। अब बहुत ही ओपी ट्रिक जो यहाँ पे हो सकती थी ये, लेकिन स्टम्बल गाइज ने हमें अलाउ ही नहीं किया है कि हम उसके ऊपर खड़े रहें, तो अपने आप हमारा कैरेक्टर जो है वो नीचे गिर जाता है। अब कुछ और बाहर जाने की ट्रिक्स जो मैंने ट्राई करी थी लेकिन वो भी हमें अलाउड नहीं है। इधर तो मुझे लगा था चढ़ ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे सीढ़ी जो है वो नीचे से चालू होती है, तो उस थोड़े से गैप में कूदने के बावजूद भी हम वहाँ पे नहीं चढ़ सकते। नेक्स्ट मैप है बरीटो बोनेंजा। अब इस मैप में भी आपको स्पीड का फायदा उठाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग एक ही बारी में स्किप कर सकते हैं। वैसे हमें दो बारी लगते हैं इस बरीटो को क्रॉस करने में, लेकिन हम एक से कर सकते हैं। इधर भी आप जल्दी आ सकते हो, हिट भी खाओगे तो कम लगेगी। फिर इस पॉइंट पे भी आपको वॉलीबॉल इमोट मारना है और आप बहुत ही जल्दी इस बरीटो को क्रॉस कर लोगे। इधर पे एक ट्रिक पॉसिबल है, ये कूल वाली, लेकिन ये उतनी इफेक्टिव होगी नहीं मुझे लगता है। अगर इसका बेस्ट यूज आप करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप इतना ही कर पाओगे, फिर आगे आपको खुद से ही डाइव मार के जाना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत जल्दी होएगा। इधर से भी आप बहुत जल्दी निकल सकते हो, लेकिन बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट रहना पड़ेगा। बॉल के वेट से जरूर आप नीचे गिरने से बच सकते हो बरीटो से टकराने के बाद भी। नेक्स्ट मैप है हमारा कैनन क्लाइम। अब इसकी जो पहली ट्रिक रहेगी यही बेस्ट ट्रिक है इसकी, जिसमें आप बहुत लंबी लीड ले सकते हो। इसी रन में मैंने पूरी ट्रिक्स करी है इसकी जितनी पॉसिबल है, और आप देख सकते हो कितनी जल्दी मैंने रन को कंप्लीट किया है। जैसे सारी ट्रिक्स आप देखो, ये वाली ट्रिक देखो आराम से गाइस बिल्कुल ही, और अगर बीच में से आओ तो ये ट्रिक भी पॉसिबल है। नेक्स्ट मैप है कैनन बॉल केओस। अब इस मैप में आपको ट्रिक का फायदा नहीं बल्कि वेट का फायदा मिलेगा। जैसे आपने देखा कि अभी बॉम्ब मेरे से टकराया था, लेकिन हैवी होने के कारण हम लोग नहीं उड़ेंगे। तो जब भी आप जाओ, अब जाते जाते वॉलीबॉल बन के जरूर जा सकते हो, थोड़ी बहुत स्पीड भी मिलेगी और साथ ही में आप बॉम्ब से टकरा के उड़ने से बचोगे। नेक्स्ट मैप है फ्लोर फ्लिप। अब यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आप एक ही जंप में चढ़ जाओगे तो ऐसा नहीं हो सकता है गाइस, क्योंकि जो हमारी वॉलीबॉल की जंप की हाइट है ना, वो नॉर्मल बंदे की हाइट जितनी ही है, बस इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, तो उसका फायदा उठा सकते हैं हम लोग, लेकिन हाइट का नहीं। जैसे यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस का फायदा उठा के ये ट्रिक कर सकते हैं, और इधर भी आप इसका यूज कर सकते हो जल्दी जाने के लिए। इधर तो पूरा का पूरा एक फ्लोर ही स्किप हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट नहीं चढ़ सकते हैं, और हाइट भी मैंने जैसे आपको बताया सेम ही रहेगी, तो उतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आप ये नहीं कर सकते कि आप नीचे से सीधा कूद के ऊपर चले गए भाई, क्योंकि देखो हाइट सेम है गाइस, नॉर्मल बंदा भी अगर जंप लगाएगा तो उतनी ही लगेगी। हाँ, लेकिन थोड़ा लटक लटक के ऐसे पहुंच सकते हो। नेक्स्ट मैप है हनी ड्रॉप। इस मैप में पहला फायदा यह है कि स्टिकी टाइल्स काम नहीं करती हैं वॉलीबॉल इमोट पे, तो आप काफी इजीली इनके ऊपर से निकल सकते हो बिना स्टॉप हुए। फिर ये है लेजेंडरी ट्रिक जो आप कर सकते हो अंदर आने के लिए। ये आप किसी भी मैप में यूज कर सकते हो, जहां पे आप नीचे गिर रहे हो तो एक वॉलीबॉल इमोट मारो और सीधा अंदर आ जाओ, या बाहर जहां पे भी आपको जगह दिखे। अब ये वाली जो ट्रिक है ये नहीं होगी, मैंने करके देख ली है, और इसका एक और फायदा ये है कि आप बाकी लोगों की टाइल्स जल्दी से रेड करके वहां से भाग सकते हो, तो वो लोग पहले ही नीचे गिर जाएंगे। नेक्स्ट मैप है हॉट व्हील्स हसल। इस मैप में बस दो ही जगह यूज है, एक तो यहाँ पे लीड लेने के लिए, और इस जगह पे हमारी ट्रिक को और जल्दी करने के लिए। नेक्स्ट मैप है हम्बल स्टम्बल। इस मैप में आप एक ही बार में ये ट्रैम्पोलिन्स को स्किप कर सकते हो और बहुत लंबी लीड मिल जाएगी, और बस अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते रहो। नेक्स्ट मैप है आईसी हाइट्स। अब ये जो सामने की ट्रिक है ये इसमें नहीं होगी, और इस मैप में कुछ खास यूज है नहीं इसका, क्योंकि ये एक स्लाइडिंग मैप है
तो इसलिए इसमें स्लाइड ही बेटर रहता है। नेक्स्ट मैप है जंगल रोल। अब इसमें आप स्टार्टिंग में ही इमोट का यूज कर सकते हो, लेकिन वेट करके जाना पड़ेगा अगर आपको यूज करना है तो लेट हो जाओगे। फिर इस जगह पे आप इमोट की जगह खुद डाइव मार के जाओगे तो भी बेटर रहेगा। ये पार्ट आप इजीली स्किप कर सकते हो इस इमोट से, और बाकी थोड़ी बहुत जगह भी बहुत जल्दी पार कर सकते हो। नेक्स्ट मैप है लावा रश। अब इधर से मैंने ट्राई किया लेकिन वॉलीबॉल कुछ खास काम कर नहीं रही, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये जरूर इजीली हो चुका है थोड़ा। इधर से भी आप लॉन्ग जंप मार के स्किप कर सकते हो, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इधर भी आप जल्दी जा सकते हो ऐसे कूद के, और ये वाली जो ट्रिक है ये अब बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। लेकिन अब आप ये भी कर सकते हो क्योंकि ये भी मुझे उतना ही फास्ट लग रहा है। अब ये है गेम चेंजर ट्रिक गाइस, एक ही बार में पूरा स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट मैप है लॉस्ट टेम्पल। मुझे कुछ खास यूज लगा नहीं इस मैप में, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत मिला है वो मैंने आपको बता दिया है। ऐसे ये कुछ ज्यादा खास नहीं है, आप नॉर्मल प्लेयर के साथ खेलोगे तो भी अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट मैप है ओवर एंड अंडर। वॉलीबॉल के साथ साथ एक नई ट्रिक भी मिल चुकी है, लेकिन वॉलीबॉल वाली मेन है। तो यहाँ पे आप देखो कैसे मैं एक ही बार में पूरा तेजी में कर देता हूँ, इधर से ऊपर आए और यहाँ पे फिर से वॉलीबॉल का यूज, और पूरा का पूरा मैप बहुत जल्दी कंप्लीट। लेकिन मेन ट्रिक यहाँ है गाइस, ये ट्रिक देखो आप, ये क्या किया मैंने, ये कुछ भी कर दिया गाइस, कमाल कर दिया है। एक और बार करके दिखा देता हूँ ताकि तुक्का नहीं लगे। नेक्स्ट मैप है पेंट स्प्लैश। बस एक ट्रिक है इसमें, आप ये स्किप कर सकते हो। इधर आपको एक टाइल के ऊपर चढ़ के ही स्किप करना पड़ेगा। नेक्स्ट मैप है स्काई रॉकेट रॉयल। कोई ट्रिक नहीं है इसमें, बस आपकी जो स्पीड है वो बहुत तेज बढ़ जाएगी, तो आप इजीली सारे कॉइन्स कलेक्ट कर सकते हो आराम से रोल रोल करके। नेक्स्ट मैप है शार्क्स और बॉम्बार्डमेंट। पहली चीज, आप जल्दी से रेड वाले जो वेसल से इनको टच करके जल्दी से भाग सकते हो, तो बाकी लोग उड़ जाएंगे और बस अपनी लॉन्ग जंप का यूज कर सकते हो। माना कि यह बीच वॉलीबॉल है लेकिन आप पानी पे नहीं चल सकते गाइस। नेक्स्ट मैप है स्पेस रेस। अब लॉन्ग जंप का काफी अच्छा यूज है इस मैप में। इधर से आप लंबी जंप मार के निकल सकते हो, वॉलीबॉल से जल्दी रोल करके जा सकते हो, यहाँ तो एक प्लेटफॉर्म ही पूरा स्किप कर सकते हो। ये ट्रिक भी बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है, और अगर आपको राइट से लेफ्ट जाना है तो एक ही जंप में पूरा का पूरा स्किप। नेक्स्ट मैप है स्पिन गो राउंड। पहली ट्रिक तो ये है कि हम यहाँ से ऊपर से जा सकते हैं, और दूसरी यहाँ पर लॉन्ग जंप मार सकते हैं। नेक्स्ट मैप है स्टंबल ट्रबल। सिर्फ एक ट्रिक है जिसमें आप कूद के पूरा का पूरा पार्ट स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट मैप है सुपर स्लाइड। पहली ट्रिक है स्टार्टिंग में आप इस पूल को पार कर सकते हो। अब सुपर स्लाइड में हमेशा पानी पे ही बॉल बनना, तभी इसका फायदा होगा। इसकी असली स्पीड देखो तभी दिखती है। अगर आप हवा में बॉल बने तो आपकी स्पीड और स्लो हो जाएगी और आप ऐसे नीचे गिर जाओगे। तो सुपर स्लाइड में बेस्ट स्लाइड ही है। बस आप जब भी बॉल बनो तो याद रखना कि आपको जमीन पे ही बनना है, हवा में कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं होना है। नेक्स्ट मैप है टाइल फॉल। अब वॉलीबॉल की स्पीड से आप टाइल्स को स्किप नहीं कर सकते हो, और आप मैक्स टू मैक्स सिर्फ दो टाइल्स ही जंप कर सकते हो। नेक्स्ट मैप है ब्लॉक डैश। अब इसमें कुछ ही ट्रिक है, एक तो ये जो कि बहुत ही रेयर हुई मेरे से, पता नहीं कैसे तुक्के में हुई लेकिन उसके बाद ये हुई नहीं। फिर ये गो थ्रू द वॉल्स वाली ट्रिक, और गाइस ये कांटे से निकलना बहुत ईजी है क्योंकि अगर आप टकराते भी हो तो आपके वेट से आप उछकोगे नहीं। नॉर्मल ट्रिक्स आप बॉल बन के भी कर सकते हो, लेकिन गाइस अब मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, जो कि पीछे वाली जो ट्रिक्स है ना, जो कि मुश्किल वाली ट्रिक्स है, वो इसमें भी नहीं हो रही गाइस। मुझे भी लग रहा था कि काफी ईजी हो जाएंगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पीछे वाली ट्रिक्स आप नॉर्मल प्लेयर से ज्यादा अच्छी कर लोगे क्योंकि बॉल से या तो इक्वली डिफिकल्ट है या तो ज्यादा ही डिफिकल्ट है। नेक्स्ट मैप है लेसर ट्रेजर। अब बाहर जाने की ट्रिक मैंने ट्राई कर ली है, कुछ काम नहीं आ रही है। नेक्स्ट मैप है रश आर। पहली ट्रिक जो मैंने ट्राई करी वो थी बाहर जाने की, लेकिन वो काम नहीं आई। लेकिन आप इसमें साइड टू साइड वाली जंप आराम से लगा सकते हो तो ये बहुत ज्यादा काम आने वाली है, और साथ ही में आप सामने की तरफ भी लॉन्ग जंप लगा सकते हो। नेक्स्ट मैप है स्पेस ड्रॉप। इसमें सिर्फ एक ही ट्रिक हो सकती थी जो कि थी हमारे प्लेनेट पे जाने वाली, और मैंने करी भी।
और मैं पहुंचा भी, लेकिन ये आर पार निकल गया। तो गाइस इतनी ही ट्रिक थी जो मैं ढूंढ पाया। अगर कोई ट्रिक रह गई हो तो उसे कमेंट में जरूर बताना गाइस। और जो मैप्स मैंने नहीं किए हैं ना, वो मैप में कुछ खास ट्रिक्स नहीं थी इसलिए मैंने नहीं दिखाए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही स्टंबल गाइस की वीडियोस देखने के लिए। और अगर मेरे पिछले स्टंबल गाइस की वीडियो देखनी हो तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।